नमस्कार। आज हम लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है किसान मेला लगा है, इसमें आए हुए हैं। और किसान भाई, आप लोग जो है अगर आलू खेती करने के शौकीन हैं तो आलू की बहुत नई नई वेराइटी जो है आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम में है, भारत का जो है सबसे उत्कृष्ट जो है संस्थान है, ये नई नई वेराइटी तैयार करता है आलू की। तो आज हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि जो किसान भाई आलू के शौकीन, आलू की खेती करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज है। आप देख सकते हैं, आपने इन वैरायटी इतनी आज तक नहीं देखी होगी। यहाँ पर कुफरी माणिक है, आप देख सकते हैं इसका वेट भी, और इसका आप कितने इसकी जो है वो दिन की फसल है। तो इसमें कुफरी लोहित है, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी जामुनिया है, एक ये बिल्कुल नई लेटेस्ट एक नई वैरायटी कुफरी जामुनिया। इसका टेस्ट डॉक्टर साहब कैसा है? बढ़िया टेस्ट है सर। अभी ये डॉक्टर साहब है हमारे जो है, ये इसके बारे में जानकारी देंगे आपको डिटेल से। जी डॉक्टर साहब बताइए कौन सी वैरायटी है? सर ये जमुनिया है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने लॉन्च जो 8-10 किस्में की थी, उसमें से एक किस्म ये हमारे संस्थान की मोदी जी ने लॉन्च की, और इसमें जो विटामिन वगैरह की भी क्वालिटी है वो अच्छी है। अच्छा, और शुगर के बहुत पेशेंट हो रहे हैं, और आलू में बताते हैं कि शुगर बहुत होता है, तो ऐसी कोई वैरायटी सीपीआरआई ने कोई लॉन्च करी ऐसी जो है? ऐसी लॉन्च नहीं है सर, लेकिन शुगर क्वांटिटी कम है कुछ। अच्छा, इसमें शुगर कौन कौन सी वैरायटी है वैसे? वो डॉक्टर साहब बताएं। चिप्सोना 1 है, अच्छा, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, राइसोना है, चिप्सोना 1। चिप्सोना 1 ये रही, आप देख सकते हैं ये कुफरी किरण है। तो थोड़ा किसान भाई थोड़ा पीछे को सको, आ जाओ। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं आलू का भी जो है, हमारे जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने जो टिश्यू कल्चर तकनीक से जो है शुरुआत कर दी है उगाने की। तो इन लोगों ने टिश्यू कल्चर से नई वैरायटी, और किसान भाइयों एक सबसे बड़ा लाभ आपको ये रहेगा टिश्यू कल्चर की वैरायटी लगाने से, इसमें एक तो बीमारियां बहुत कम रहेगी, दूसरा उत्पादन बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप टिश्यू कल्चर वैरायटी की जो वैरायटी, आप आलू की जलेबी भी बना सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसकी जलेबी बना सकते हैं जो है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्टर साहब ये बताएं? ये तो उपमा बना सकते हैं इसी से, सूजी, इससे जो आलू से आप सूजी भी बना सकते हैं, आप इसका सूजी का हलवा भी जो है के रूप तरीके से जैसे बना कर खा सकते हैं जो है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप देख सकते हैं आलू की जो अच्छी फसल लेने के लिए आपको जो है, जो आलू में झुलसा रोग आता है उसके प्रबंधन के लिए भी यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने पूरी डिटेल से जो है वो सारी चीज बताई। तो आलू में क्या क्या बीमारी आती है, इनको रोकने के लिए कौन कौन सी आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नीचे जो है देख सकते हैं, झुलसा रोग के लिए जो है अगर खराब मौसम में जो आता है तो सभी बीमारी को जो है कंट्रोल करने के लिए इसमें पूरी जो है आप देख सकते हैं कौन सा रोग आएगा और उसको जो है रोकने का क्या तरीका है। ये हमारे सारे कृषि वैज्ञानिक जो आलू के वैज्ञानिक हैं लोगों ने वो सभी चीज़ किसान भाइयों को डिटेल से जो है यहाँ पर जो है एक चार्ट के माध्यम से समझाई हुई है। और मेरा किसान भाइयों आपसे ये है कि आप जो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं इनकी सलाह को आप ज़्यादा माने, जरूर माने जाए, इससे आपको लाभ क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपकी लागत भी कम होगी जाए। ये कुफरी जामुनिया आप देख सकते हैं, इसका बड़े स्केल पर जो है इसका एक किसान भाइयों, मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप जो है ये 16 अक्टूबर से लेकर जो 18 अक्टूबर तक जो है मोदीपुरम यूनिवर्सिटी में जो किसान मेला लगा हुआ है, तो आप सभी एक बार जो है इस किसान मेले का जो भ्रमण जरूर करें, और इसमें जो आई हुई नई नई वैरायटी आप उनको देखें और उनके बारे में जाने, और अपने जो कृषि वैज्ञानिक है इनकी जो सलाह माने। धन्यवाद किसान भाइयों।